60 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप लोग तो रोज मिलते हैं नेता लोगों से, पूछते हैं, सोचते भी है, लिखते भी है, हर चीज करते हैं। एक सेक्टर ऐसा हो जिसमें कोई सुधार आया हो इस देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के भाग में, या किसी भी सेक्टर में, इन एनी ऑफ द सेक्टर ऑफ द कंट्री, वो चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो, किस चीज का सुधार हुआ है इस देश में? अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का यह हालत नहीं बनता। डॉलर के प्रति रुपया का इतना गिरावट, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे पास मौके नहीं मिल रहे थे तो ब्रेन ड्रेन होता था, विदेश में लोग चले जा रहे थे, हमारे बुद्धिजीवी। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके कैपिटल ड्रेन हो रहा है, सारा ही पूंजीपति भाग रहे देश से, देश का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। हम सब लोग गवाह है। 13 महीने किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ता है इस देश में? बहुत ही महान देश है हमारा, भगवान ने, प्रकृति ने काफी संपत्ति दी है। हमारे नदियों में 70,000 टीएमसी पानी बहते हैं। आज तक देश ने सिर्फ 22,000 टीएमसी ही इस्तेमाल किया है। और वाटर वार्स होते हैं, जल युद्ध होते हैं, क्यों होते हैं, होने लगते हैं? बिजली 4 लाख मेगावाट के ऊपर बिजली की उपलब्धि देश में है, लेकिन देश को, किसानों को भी, आम लोगों को भी, उद्योगों को भी, हर किसी को भी बिजली के लिए तरसना पड़ता है। क्यों तरसना पड़ता है? जिन चीजों की उपलब्धि है उनको भी लोगों के लिए किया नहीं जाता है, फिर क्या किया जा रहा है इस देश में? हर एक चीज में इकॉनमी तबाह हो गई, कर्जा बढ़ गया देश का, रुपी वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, डीजल, पेट्रोल, खाद, हर चीज का दाम बढ़ गया, गरीब आदमी परेशान है, किसान आंदोलन पे है। और नीतियां, देश के रक्षा करने वाला हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम रहा, कई प्राइम मिनिस्टरों ने युद्ध लड़े, कामयाब हुए, खड़े रहा भारत, लेकिन आज इतना बड़ा डिफेंस पॉलिसी बदल रहा है, अग्निपथ जैसा मामला ला रहा है, किसी से संपर्क नहीं, विपक्षियों से कोई बातचीत नहीं, नीतियां बदल रहे मनमानी, उसका अंजाम क्या होगा? आज किस सेक्टर में आया है, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकते हम लोग, किल्लत है पूरे देश में। जहां किसी राज्यों ने प्रयास किया वहां जो कुछ भी हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की नीति से नारा के सिवाय कोई काम असल में आता ही नहीं, उपलब्ध होता ही नहीं। यहां तक के देश के राजधानी दिल्ली में पानी की उपलब्धि नहीं है 75 साल के आजादी के बाद। आज हमारे कई मित्र हर दिन पानी खरीदते हैं दिल्ली शहर में, दिल्ली शहर में भी पावर नहीं मिलता, 24 घंटा नहीं मिलता, कई हिस्सों में, दिल्ली के हिस्सों में पावर काटा जाता है हर दिन। ये क्या हो रहा है? ये चीज ऐसे है, 8 साल यानी के मोदी जी के जो कालखंड उनके लिए दिया था जनता ने 10 साल का, उसमें 80% समय खत्म हो चुका है। अब उनके नीतियां क्या है साफ देश के सामने आ चुके हैं, उनका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उनका चलाने का ढंग क्या है, देश को किस प्रकार से
साथ लिए जा रहे हैं, ये सारे देश के सामने आ चुके हैं। आज मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार के नाकामियों के वजह से आज काफी नुकसान हुआ देश का हर सेक्टर में। साथ ही साथ जो राज्य काम कर रहे हैं, अपने जगह अच्छा खड़े होकर काम कर रहे हैं, कुछ एक अलग नीति बना के फेडरल सिस्टम को पूरा खत्म करके, FRBM एक्ट में तोड़ मरोड़ करके, जो संसाधन मिलने चाहिए जो राज्यों के अधिकार में है उसके वो छीना जा रहा है। जो अपने आप विकसित होना चाहते हैं राज्य, जो जहां प्रयास हो रहा है उनको भी काटा जा रहा है। क्या वजह है इसका, क्या कारण है, कोई बताएंगे जवाब है केंद्र सरकार के पास? एक तो ये है, विकास का कोई नाम ही नहीं, सिर्फ नाराबाजी है। कौन सा एक नारा जो सफल हुआ देश में, 222 तक हर गरीब का अपना मकान होगा, ये मोदी जी का खुद का वादा है। क्या सफल हुआ, मिला सबको मकान? किसानों का आय डबल कर दिए जाएगा, किसानों का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया, लागत डबल हो गया, आय कहाँ डबल हुआ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर दिन रेप होते हैं सबों के तादाद में, किस वर्ग का विकास हुआ, किसका रक्षा हुआ? और इसको, इन सब चीजों को छोड़ के एक दूसरी बहुत बड़ी खतरा बात, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा ये लोग खड़ा कर रहे हैं, जो धर्म की बात को लेके लोगों को भावुक बना करके अपने चिल्लर पल्लर राजनीति लब्धि के लिए सारे देश को टूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये कहां तक सही है? इससे देश का कितना बड़ा खतरा बनेगा आगे चल के, देश का क्या होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? हालात यहां तक बिगड़ रहा है कि विदेशों में हमारे दूतावास के प्रतिनिधि को बुला के माफी मांगा जा रहा है, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके भलाई के लिए ये काम किया जा रहा है? आज जिस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, एक अच्छे भारत को खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, ये कहां ले जाएगा अपने देश को? इसीलिए इकोनॉमी भी खत्म, कर्जा बढ़ गया, रुपी वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, किसी सेक्टर में सुधार नहीं आया, ना पीने का पानी मिला, ना सिंचाई का भरपूर पानी मिला, ना गरीबों का कोई अच्छा देखभाल हुआ, तो किसका लाभ हुआ, किसका फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, विनाश हुआ, और साथ ही साथ बहुत बड़ा खतरा, धर्म के नाम पे दुनिया को तोड़ के, लोगों को तोड़ के, सबसे बड़ा बात है मेक इन इंडिया। क्या है नतीजा मेक इन इंडिया का? हमारे बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं उसके मांजा तक चाइना से आता है, नाखून काटने का नेल कटर तक चाइना से आता है, शेविंग ब्लेड तक चाइना से आता है, राष्ट्रीय ध्वज भी हमारा तिरंगा चाइना से बनाया हुआ इंपोर्ट करते हैं, कहां गया खादी हमारा, हमारा बुनकरों का क्या हाल है, क्या हो रहा है? फिर मेक इन इंडिया किधर गया, उसका क्या नतीजा निकला? सही सवाल अगर हम अपने दिल से पूछे, हुआ कुछ नहीं है, विनाश ज्यादा हुआ है, और आगे बहुत बड़ा खतरा इस देश के लिए खड़ा हो रहा है। इसीलिए हम एक ही आवाज, आज नीतीश जी से मिलने के बाद, जो बातचीत करने के बाद, नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर, बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए, तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूँगा इस दौरान, आपसे प्रार्थना भी है, नीतीश जी ने भी प्रार्थना की, आप ये बात जरूर जनता तक ले जाए। भारत में 75 साल के आजादी के बाद इतने सारे समस्याओं से उलझ रहे हम लोग, इस स्थिति से भारत को अगर निकलकर बाहर जाना है, कुछ ये अब तक रूटीन जो 75 साल में चलता आया है उससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है, ये मेरा बात नहीं है, अगर किया जाए
तो भारत सर्वश्रेष्ठ देश इस दुनिया का बन सकता है, प्रभावशाली बन सकता है, प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकता है। इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए, एक उच्च गुणवत्ता वाली बदलाव भारत में चाहिए, ये बिल्कुल चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, पूरे दुनिया में जहाँ ज्ञान है वहाँ से प्राप्त करना चाहिए हम लोग। चाइना जिसकी जीडीपी हमसे कम थी 1980 तक, 81 तक भी, उन्होंने कर पाया, कर दिखाया, उनका इकॉनमी पहुंच गया 16 ट्रिलियन डॉलर में। आज हम 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में घूम रहे हैं, बड़ा शर्म की बात है। चाइना में हर चीज हमसे कम है, हर चीज की उपलब्धि हमसे कम है, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया, आज टक्कर दे रहा है पूरे दुनिया के अग्र देश जो माना जाता है अमेरिका को, टक्कर दे रहा है, प्रतियोगिता दे रही है। हम कहाँ रह गए, ये ऐसे बने रहेंगे, ऐसे ही रहना चाहिए देश को? आज देश के युवा को, देश के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। मैं एक ऐसे पवित्र जगह बैठ के ये बात कह रहा हूँ जहाँ से लोकनायक जयप्रकाशन जी के एक आवाज़ पे पूरी देश में क्रांति आई थी, तानाशाही का खात्मा किए थे, रिश्वतखोरी के खिलाफ में लड़ाई लड़े गए थे। ऐसे पवित्र भूमि में आकर कुछ प्रेरणा मिलता है, इसलिए गुजरात से सारे देश के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, राजनीति में जो लोग काम सक्रिय कर रहे हैं उन सारे लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत ही देश को आगे ले जाएगा। इनके धर्म के वाद पे, कुछ अन्य के वाद पे देश को तोड़ मरोड़ के जो कर रहे हैं, तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। एक बार टूटा देश, एक बार एक विद्वेष, एक हेटेड फैल गया, बहुत बुरा मुश्किल होगा, देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम संभलने में फिर काफ़ी समय हमें लगेगा, इसीलिए इस खतरा से बचने के लिए हर किसी को आज सोचना चाहिए। इनके जो बहकाव है, झूठे वायदे हैं, झूठी बातें हैं और झूठा तरीका है, एक शर्म करने वाली बात है। भारत लोकतंत्र का मान्यता रखने वाला एक विशेष देश है, हमारा कोई प्रतिष्ठा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज कहा जा रहा है खुलेआम, देश को चलाने वाले सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष खुद कहते हैं हम सारे पार्टियों का खात्मा करेंगे, एक पार्टी, सिर्फ एक पार्टी का तानाशाही लाएंगे। कहा तो ऐसा जा रहा है, तिरंगा को नहीं उड़ाइएगा, काशा झंडा उड़ाइएगा अपने घरों में, और वो लोगों का कुछ पकड़ने वाला नहीं है। ये तो देश के साथ गद्दारी हुआ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ गद्दारी हुआ, वो लोग खुलेआम बयान देते जा रहे हैं। क्यों केंद्र सरकार चुप्पी साध रही है, क्या कारण है इसके पीछे? और आज जिस प्रकार के दंगे कराए जा रहे, जिस प्रकार के एक सहिष्णुता हमारे देश में बना हुआ था, जिसके प्रति हमारा देश का बड़ा मान्यता था, जो हमारे राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी जी ने अपने आप को नहीं कहा राष्ट्रपिता, सारे देश ने माना है, सर पे लिया है, ऐसे राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है कितने गंदे तरीकों से, और हम सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहां ले जाएगा देश को? क्या हम अपने दादा परदादा का अपमान करेंगे, अपने खानदान का अपमान करेंगे? ये किसी देश में होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहां ले जाएगा भारत को आगे? तब तक हम क्या सिखा रहे हैं? ऐसे भारत किसको चाहिए? और इनके प्रति कोई मतलब कुछ हुआ है, इनका कोई काम है, इनका कोई योगदान है, फलाने सेक्टर में कुछ हुआ है, किसमें सुधार हुआ जी? बातों के सिवाय कोई काम है नहीं। जब ये विपक्ष में थे, गला पाड़ पाड़ के जिन बातों कह रहे थे, जिन बातों का विरोध कर रहे थे, आज वही बात ही अमल कर रहे हैं। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन टोटली, LIC को क्यों प्राइवेट कर रहे जी? दुनिया का बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, सक्षम कंपनी है, सक्रिय कंपनी है, करोड़ों जनता का, इस देश का बहुत प्यारा कंपनी है, उसको क्यों काटा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है? पोर्ट भी बेचते, एयरपोर्ट भी बेचते, रेल भी बेचते, क्या बचेगा देश के लिए? इनका योगदान क्या है ये बेचने में लगे हुए? आखिर एक ही नारा बचा है, बेचो इंडिया, सब बेच दो, तू भी भेज दो।
तो भी प्राइवेट कर दो, फिर क्या बचेगा देश को? बेच बेच के हमें जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, दुनिया में हमारे क्या जगह रह जाएगा? इसीलिए सारे देशवासियों से हमारा अनुरोध है, हमारा अपील है, और हमसे जो संभव प्रयास होगा, हर संभव प्रयास हम करेंगे। ये कुछ कमजोर लोगों को डराते हैं, विपक्षियों को जिस तरह से सताते हैं, ये सच्चाई चंद्र के भाई है क्या? आज सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला चुनाव के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी है, ये सारा दुनिया जानता है, सभी को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, हम सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा पार्टी में पूंजी रखने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, घोटाले किए जा रहे हैं। कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहीं नारा नहीं उठे प्रधानमंत्री, जब श्रीलंका गए, श्रीलंका में साफ बताया, वहां के लोगों ने उनके पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया है कि भाई इन्होंने अपने मित्र को, एक छोटे मोटे शाहूकार को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए श्रीलंका पे दबाव लाया है। वहां के युवा प्लेकार्ड लेके खड़ा हुआ है वहां के रोडों पे, ये सारे दुनिया के सामने है। कितना अपमान होता है देश का इसका, कितना भारी हमको चुकाना पड़ता है, देश का गरिमा, देश का प्रतिष्ठा किस प्रकार खत्म हो रहा है। और प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके, जब अमेरिका अध्यक्ष का चुनाव होता है, इतना गलत कदम है। अमेरिका अध्यक्ष के चुनाव के प्रक्रिया में हमको हस्तक्षेप करना चाहिए? डिप्लोमेटिकली कितना रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। और इन्होंने साफ कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार, ये क्या अहमदाबाद कॉरपोरेशन इलेक्शन है कि अमेरिका इलेक्शन है? क्या समझ के देश को दाव पर लगा रहे थे? वो आज हारे हुए, दूसरा आके बैठा है। देश के बारे में कुछ ख्याल है जो मन में आए कह दिए? इस प्रकार के नीतियां देश को कहां पर ले जाएंगे, क्या स्थिति देश की बनेगी, इस बात पे सोचना चाहिए। पत्रकार मित्रों से भी मेरा अनुरोध है, आप देश के प्रति जरूर कदम उठाना चाहिए, आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए, देश में चेतना लाना चाहिए, जिनको जानकारी नहीं है उन तक बात पहुंचाना है। आप हमारे लोकतंत्र का फोर्थ स्टेट है, आपका मान्यता है, मैं बार बार दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी लगना चाहिए। जब कभी इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में पत्रकारिता का, फोर्थ स्टेट का, इस देश का क्या रोल रहा, आप एक बार याद कीजिए। आप फिर से एक बार आपको लगना चाहिए, मेरा आपसे अपील है, एंड आई नाउ वेलकम यू टू फॉर एनी क्वेश्चन। सर ये जो वन वन एट ये आपने शुरुआत कर दिया ऑपोजिशन यूनिटी का, आज वन एट ए टाइम राव साहब आपने ऑपोजिशन यूनिटी का शुरुआत किया, आप हैं, नीतीश जी की पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी है, तो क्या आप अपील करेंगे सारी पार्टियों को एक मंच पर आने के लिए? दूसरा कि इसके पहले हमने देखा है कि थर्ड फ्रंट का जो भी प्रयोग रहा है वो विफल रहा है, तो क्या कांग्रेस भी ऑन बोर्ड रहेगी तभी एक चैलेंज दे सकते हैं जो आप बीजेपी मुक्त भारत कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए? और क्या उसकी अगुवाई नीतीश कुमार के हाथ में आप लोग दे सकते हैं या कोई और अन्य नेता होगा, क्योंकि नेता तमाम है? एक ही बात आपको मैं जवाब देना चाहूंगा, हम जो इस बात में एकजुट है इसको लेके हर संभव प्रयास करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन नेता कौन होगा? आपको इतने घबराहट क्यों है? हम चुनेंगे जब समझ आएंगे। लेकिन आपने अभी 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 आपने इतनी अभी आपने इतनी समस्याएं, मैंने आपका जवाब दे चुका। सर एक सेकंड, अभी आपने इतनी समस्याएं बताई, मैंने आपको अभी जवाब दे चुका है। हमारी बैठक होगी, विस्तार में हम बात करेंगे, जरूर किसी एक नेता चुनेंगे, आप घबराहट क्यों है? कांग्रेस ऑन बोर्ड रहेगी? मैं जो कह रहा हूँ विस्तार में बात होगा, उस बात के बाद कौन साथ होगा कौन नहीं होगा उसका निर्णय लिया जाएगा उस बैठक। राव साहब हमें कोई जल्दी नहीं है। राव साहब अभी आपने अभी विस्तार
गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी, बीवेल हर्बल हेल्थ केयर जीएमपी अप्रूव और आईएसओ सर्टिफाइड 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफायाब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली दवाओं से तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, टीबी, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिंसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मल और जनाना मरीजों के लिए अलायदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है। दुनिया भर में मशहूर चारमीनार और मोबाइल्स की दुनिया में मशहूर सेल वर्ल्ड एट चारमीनार। मोबाइल हो लेना तो सीधे सेल वर्ल्ड चले आना। हर ब्रांड के मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। मोबाइल्स और ओरिजिनल मोबाइल एसेसरीज के लिए बरसों पुराना जाना पहचाना नाम सेल वर्ल्ड। बिल्कुल ही वाजिबी दाम और भरोसे के मोबाइल्स के लिए आपका अपना शोरूम सेल वर्ल्ड। थिंक मोबाइल, थिंक सेल वर्ल्ड। अपोजिट चार मीनार बस स्टैंड, हैदराबाद। सेल वर्ल्ड।